हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे आने वाले PUCET एग्जाम के बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है इंग्लिश का। इसके लिए आप किस तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हैं, एंड आई प्रोवाइड यू टू PDFs आल्सो। एक पूरा सॉल्व सैम्पल पेपर होगा और एक PDF होगी जिसमें सभी एक्सटेंडेड टॉपिक्स रहेंगे जिनके थ्रू आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। उससे पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं और मार्किंग स्कीम भी। दीज आर दी डेट्स। 5th जून, जो कि आज है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी वेबसाइट टू जेनरेट लॉग इन ID एंड पासवर्ड, एंड लास्ट डेट टू डिपोजिट द फी। और आपका एग्जाम रहेगा 15th जून और 16th जून को, दैट इज कमिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमिंग सैटरडे एंड संडे। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। चंडीगढ़, लुधियाना, होशियारपुर और मुक्तसर, यहाँ पर आपके सेंटर्स होंगे। तो अगर आपकी एक्सेस है इन सेंटर्स की और ये यूनिवर्सिटी आपको पसंद है, वैसे तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज़रूर अपीयर करिए। दिस इज़ दी सीट डाइवर्सिफिकेशन। 95+5, ये 5 है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास BA विद फंक्शनल इंग्लिश, एंड सम सीट्स आर रिजर्व फॉर NRIs एंड फॉरेन नेशनल्स। सिलेबस और पेपर की हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी प्रिपेयर करने में। ये रहेगा पैटर्न। 1 आवर 30 मिनट्स का आपका एग्जाम, 75 मार्क्स इन टोटल। 25 मार्क्स का एक एसे 400 वर्ड्स में लिखना होगा। मैं आपको बहुत से एसेज प्रोवाइड करूंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। एक अनसीन पोइट्री होगी जिसके लिए जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। लिटरेरी अप्रिसिएशन होगा 20 मार्क्स का। प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स, जिसमें आपको एक पैसेज को समराइज करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे 15 मार्क्स के। पहले MCQs हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली कुछ सालों से, कपल ऑफ ईयर्स से, देर इज अ चेंज कि देर आर सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। दीज आर दी सब टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, ट्रांसलेशन, लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी हिस्ट्री, इंग्लिश स्टडीज, पोस्ट कॉलोनियल, वीमेन राइटिंग एंड लिंग्विस्टिक्स। ये सभी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये एग्जाम फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर के एग्जाम के बारे में मुझे ये सब इन्फॉर्मेशंस मिली थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है। मोर और लेस इट इज सेम, लेकिन कुछ डिफरेंस हो सकता है। स्टडिंग लिटरेचर ऑनलाइन, लेजर इंड्यूसेस पैसिविटी, ये क्वेश्चन थे ऐसे राइटिंग के लिए। सेकेंड हैंड शॉप इन हिल स्टेशन, समथिंग लाइक दिस वॉज अ पोइट्री बाय रस्किन बॉन्ड, जिसको कि आपको एनालाइज करना था। और प्रेसी राइटिंग थी अबाउट फैशन इंडस्ट्री। दिस इज द फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स ऑफ लास्ट ईयर। अभी की बात करते हैं। अभी मैं आपको 13 पेजेस की एक सॉल्व PDF दूंगी ऑफ द सेम पेपर जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां सिर्फ क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको मॉडल आंसर्स दूंगी बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ उसका क्या है। 400 वर्ड्स का एक ऐसे है। टेकिंग अ पोजिशन फॉर और अगेंस्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज इज एसेंशियल टूडे और इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर। मैंने इसी के लिए आपके 3 टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं। फॉर के लिए भी लिखा है, अगेंस्ट के लिए भी लिखा है, तो 2 एसेज हो गए आपके। इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर का एक ऐसे है। इसके अलावा भी मैं आपको एक पूरा कॉम्बिनेशन दूंगी स्टडी करने के लिए, एक और PDF। अभी देखेंगे हम इसी वीडियो में कि उस PDF में क्या क्या मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा आपको एडिशनल PDF में। आपको 10 सैम्पल एसेज मिलेंगे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिलेगा, 6 पोइट्रीज का, प्रेसी राइटिंग के 10 टॉपिक्स होंगे, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप टॉपिक्स होंगे विद आंसर, सब कुछ विद आंसर मिलेगा आपको। और मैंने साथ ही साथ शॉर्ट 130 आंसर्स भी बनाया आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट 1 लाइन, जिससे कि आपकी थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज हो जाए। कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो वो रिवाइज जरूर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट 130 क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम बट मे बी अगर आप और किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस पूरी PDF से। तो 2 PDFs आपको मिलने वाली हैं। एक तो सैम्पल सॉल्व पेपर है पूरा, जिसमें कि ये सभी कंपोनेंट्स हैं, ऐसे राइटिंग है, अनसीन पोइट्री है, प्रेसी राइटिंग है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको 56 पेजेस की एक और PDF दूंगी, जिसमें कि ऐसे राइटिंग के 10 टॉपिक्स होंगे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन होगा, 6 पोइट्रीज का, 10 टॉपिक्स रहेंगे प्रेसी राइटिंग के, और ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स रहेंगे 10। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे 130 इन टोटल। तो ये दोनों PDFs आपकी फाइनल रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यू कैन सेंड अस अ टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज गो फॉर दीज 2 PDFs। आपका एग्जाम फॉर श्योर
फ्लाइंग कलर के साथ क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने पहले से भी थोड़ी प्रिपरेशन कर रखी है। डू नॉट कंसिडर दीज टू PDFs टू बी मैजिक वैंड। मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ऐसा कोई जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन रिविजन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ऑलरेडी थोड़े प्रिपेयर्ड हैं, लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं, तो दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। और अगर लिटरेचर बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, लेकिन कुछ पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक, तब भी आपको ये PDFs बहुत हेल्प करेंगी। अगेन आई विल से कि अभी भी 5-6 दिन हैं, आप इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो अ ग्रेट गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड सेंड अ टेलीग्राम टू ग्रैब द PDF। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।